कहाँ खाते थे तो निखिल का टिफिन रेडी हो गया है, निखिल को देते हैं। ना निखिल रख लो। दो शिफ्ट में एग्जाम बा, सुबह 10 बजे से 11 बजे से 11 से 2 बजे तक, फिर बीच में गैप 1 बजे तक। गैप कितना मिले? 1 घंटा का गैप। 4 बजे तो गैप में बाहर निकल जाएगा कि सेंटर में रहेगा? फिर 2 बजे से 2 से 5 रहेगा। पर्टिकुलर टाइमिंग बनाया, इतना बजे तक एग्जाम हो, 2 घंटे का एग्जाम रहेगा ना, उसे एक्स्ट्रा कहने कौन प्रॉब्लम हो गई तब ना टाइम बढ़ाया ला, ऐसे कैसे टाइम बढ़ाई? टिफिन बॉक्स रख ले, पानी रख ले। तो हम नाश्ता कर लेते हैं, निखिल को नाश्ता करा दी। निखिल का आज एग्ज़ाम है और 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, इसीलिए मैंने लंच बॉक्स तैयार कर दिया। वैसे तो मना कर रहा था कि टाइम नहीं मिलेगा और खाने में टाइम वेस्ट होगा तो कुछ मत बना, तो मैंने जबरन बना दिया है और मैं भी अभी नाश्ता करने लगी हूँ। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं, फिर आगे मिलते हैं। तो आज खाने में मिक्स सब्जी बन रहा है, 3-4 परवल था, परवल, आलू और ये थोड़ा सा बैंगन है और 1 टमाटर, ये डाल कर मिक्स सब्जी बनेगी। और मसाला है सरसों वाला मसाला से बनाएंगे मिक्स सब्जी। और इधर चावल भी रेडी है, दाल भी रेडी है, बस दाल पर तड़का लगेगा। तो मिक्सिंग तो आज नहीं है तो उसका टेंशन नहीं है कि ये सब्जी नहीं खाएगा। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। सब्जी उतार दिए, ज़्यादा झोल नहीं सुखाएगा। तो
फाइनली नहा कर आ गए हैं और चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर एक फ्रेश न्यू व्लॉग के साथ। तो दिन की शुरुआत हो गई है, व्लॉग की शुरुआत हो गई है और सारा दिन का जो भी रूटीन रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्या रूटीन रहेगा आगे का शेयर करते हैं। तो अभी तो नहाकर चली आई हूँ, आज निखिल भी नहीं है और संडे है तो तन्नी घर पर है। तन्नी का भी स्कूल हॉलीडेज हो गया कल से, अब वो कल से स्कूल नहीं जाएगी और जब तक नोटिस नहीं आता तब तक उसका हॉलीडे ही चलने वाला है। तो चलिए कल से तन्नी का समर वैकेशन स्टार्ट हो गया, कल से तन्नी घर पर रहेगी, बच्चे घर पर रहेंगे, एंजॉय करेंगे। और निखिल तो आज गया है एग्ज़ाम देने, तो वो गया है देने के लिए। और क्या बोले, पहले भी कुछ घर का काम है, खाना बना दिया तो वो कर रही है, उसके बाद वो भी नहाने जाएगी। तो मेरा तो खाने का टाइम हो जाता है तो भाई खाना खा लेते हैं, तो अभी टाइम नहीं हुआ है। और देखिए दो तीन दिन में ही बाल इतने चिपचिपे हो जा रहे हैं, गंदे हो जा रहे हैं कि बाल धोना पड़ रहा है। वैसे आज मैंने बाल शैम्पू नहीं किया, देखते हैं किस दिन करते हैं। और रोज़ रोज़ बाल धोने से अजीब फीवर जैसा हो गया, मतलब लग रहा है तबीयत ख़राब जैसा हो गया है। ऐसे आँख भारी भारी सा लग रहा है, मन भारी भारी सा लग रहा है। वैसे कल निखिल को भी फीवर था तो दो बार उसको भी मेडिसिन दिए हैं, तब जाकर वो आज गया है। कल सुबह दोपहर दो बार दिए। तो चलिए चलते हैं बाहर, कड़ी धूप निकली हुई है और घर में बैठने से पता नहीं चलता है बाहर कितनी गर्मी है। तो अभी बस शाम के 5 बज रहे हैं दोस्तों और देख सकते हैं बारिश, तो दोपहर 11-12 बजे से ही बारिश हो रही है। और इधर चले आते हैं नहीं तो मेरा फ़ोन भी भीग जाएगा। ये देख सकते हैं कैसे काले काले बादल। तो पौधों में पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मौसम ठंडा है और इस वजह से मिट्टी भी गीली है। कल का पानी डाला हुआ है तो कोई आवश्यकता नहीं होगी पानी डालने की। और ये देखिए सारा कुछ पानी बरस रहा है। और ये 11 बजे से तेज़ हवाएं, साथ में बारिश, दोपहर 11 बजे से ही हो रहा है बीच बीच में रुक रुक कर। और इस तरीके का मौसम है आज का, घनी घटा छाई हुई है, देख सकते हैं काले बादल हैं और ये गरज भी रहा है, देख सकते हैं। तो मैं सोची कि शाम को आकर एक बार मौसम का हाल आप लोगों को दे दूँ, यहाँ का कैसा वेदर है हम लोगों के यहाँ। तो इस तरीके का वेदर है, देख सकते हैं, और बारिश भी हो रही है टिप टिप। तो चलिए ऊपर का तो कोई काम नहीं है, ना कोई कपड़े वगैरह है उठाने के, सारे कपड़े वगैरह अंदर डाले हुए हैं। चलते हैं नीचे, इसको इधर साइड में कर देते हैं। और अभी अभी निखिल भी आ गया है एग्जामिनेशन सेंटर से। कैसा गया वो एग्ज़ाम? मैथ खराब हो गया। तो अभी कपड़े वगैरह चेंज करेगा निखिल, मुँह धो लिए, मुँह धो लो, पानी अभी गिर रहा है, बाल्टी में पानी भर दिया है उधर मुँह धोने के लिए, कपड़े वगैरह चेंज कर मुँह धो। निखिल बोल रहा है तेज बारिश हुआ है उधर जहाँ एग्जामिनेशन सेंटर था, जिस तरफ एग्ज़ाम देने गया था उधर तेज बारिश हुआ है और पूरा पानी से मतलब घुटनों तक पानी था। हाथ पैर मुँह धो, देखो बाल्टी में पानी रखे हैं। ये क्या हुआ है, ये ड्रेस चेंज करो।
तो अभी हो गया चाय का टाइम और तंदी बना रही है मेरे लिए चाय। चाय पीते हैं और फिर देखते हैं दिल्ली का वही शाम के खाने की चिंता। तो सुबह मसालेदार सब्जी बनी थी तो अभी सिंपल सा ही बनाएंगे, आलू का भुजिया बनेगा और बस और कुछ नहीं। देखते हैं चाय वगैरह पी लेते हैं फिर तैयारी करेंगे। तो निखिल आ गया एग्ज़ाम देकर और जहाँ एग्ज़ाम देने गया था उधर भी तेज़ बारिश हुई है और काफ़ी पानी लगा हुआ था घुटनों तक, ऐसा बोल रहा है निखिल। और इधर तो हल्का फुल्का हुआ है 11 बजे से, लेकिन जिधर गया था एग्ज़ाम देने वहाँ तेज़ बारिश हुई है। और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, मतलब यहाँ से 3-4 स्टेशन है। इधर तन्नी मेरे लिए चाय भी लेकर चली आई है, चाय एंजॉय करते हैं और फिर देखते हैं आगे का जो कार्यक्रम है। चाय पीते हैं तो ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई चल रही है, तन्नी पढ़ाई कर रही है, निखिल यहाँ पर रेस्ट कर रहा है क्योंकि एग्ज़ाम देकर आया है तो थका हुआ है। और चलते हैं, तो आलू का भुजिया काटे हैं बना लेते हैं। भुजिया बनाएंगे Oh, 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 oh